एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आईएसी स्टेनो। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो है हम एसएनजेड टॉपिक करने वाले हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा तो हमने जो एसओजेड किया था वो टॉपिक में क्या था, हम एसओजेड कैसे बना रहे थे, ऐसे स्ट्रोक के थ्रू बना रहे थे एस और जेड। पर अब ये टॉपिक क्या है, सर्कल एसओजेड। मतलब अब थोड़ा आपने लेवल सीख लिया है, स्टार्टिंग आपने कर लिए, फ्रेजेस हो गए आपके, ग्राम ब्लॉक्स थोड़े आपने कर लिए, अब धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे सर्कल एसएनजेड में हम सर्कल का यूज करेंगे एस और जेड दोनों को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो अब कैसे होगा मैं बताती हूँ आपको। पहला देखो वर्ड आ रहा है यहाँ पे फेस। फेस में क्या है, फे ए और स, स की आवाज आ रही है। अब वहां पे क्या करेंगे, स्ट्रोक बनाने के बजाय अब हम सर्कल का यूज करेंगे। ठीक है, फेस देखिए, फे ए स, एफ बना और एस के लिए बस सर्कल। और एक और चीज जो आपके ये जितने भी मैंने मेंशन किए ये मोस्टली कर्व स्ट्रोक है आपके। ठीक है, तो कर्व स्ट्रोक में आपका नोट कर लो, कर्व स्ट्रोक में आपका इनसाइड बनता है सर्कल, एस जो है इनसाइड बनता है, मेंशन कर लो। कर्व स्ट्रोक में क्या है, सर्कल जो है इनसाइड बनेगा। तो जैसे फेस बनाया तो फे ए और ये सर कैसे बना, अंदर की तरफ घूम के बन गया। ठीक है, वैसे वर्ड आ रहा है आपका नोज। नोज में क्या है, एन बनाया ऐसे, यहां बनाने के बाद एस क्या हुआ, अंदर की तरफ घूम गया। फिर उसके बाद आ रहा है आपका वर्ड एंशियस। एंशियस तो फर्स्ट प्लेस वाला है, ए न शी और अस, एंशियस। ठीक है, बेशक आप सामने एक डैश लगा सकते हो अस के लिए, अ की साउंड दे रहा है एंशियस में। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपका दीज। दीज में क्या है, दी और ज, ज की आवाज आ रही है और हम बोल रहे हैं कि चाहे एस हो चाहे जेड हो, दोनों के लिए क्या है, हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ये मत सोचना कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो एस की साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है या जेड की कर रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि मैम पता कैसे चलेगा, स्टार्टिंग में करते हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है, जब वर्ड्स बनाते हैं तो वर्ड्स हमें समझ आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो वर्ड दीज, दीज ने कैसे बनाया, टी एच बनाया और जेड के लिए सर्कल अंदर की तरफ। ये हो गया वर्ड आपका दीज, यहां तक नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो नेम्स। नेम्स में क्या है, एन ए एम और एस अंदर की तरफ, ये हो गया नेम्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है लेस। लेस में क्या है, एल बनाया, ई का डॉट और अंदर की तरफ एस, लेस। फिर उसके बाद है आपका वर्ड शूज। शूज में कैसे बनाएंगे, ऊ की मात्रा आ रही थर्ड प्लेस, शू और ज, ज की आवाज दे रहा है तो बस सर्कल सेम बनेगा और ऊ की मात्रा करते, ये बन गया आपका शूज। फिर उसके बाद आ रहा है वर्ड आपका बिल्स। बिल्स भी क्या है, वही आपका थर्ड प्लेस है, बी लाइन काट के एल और एस अंदर और डॉट आई के, ये हो गया बिल्स आपका, यहां तक नोट करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है मंथ्स। मंथ्स में कैसे बनेगा, म न थ, अ की आवाज आ रही है यहाँ पे, सेकेंड प्लेस है, म अ न थ और एस के लिए बस सर्कल, ये बन गया आपका मंथ्स। सेम ही से पहले किया था, बस ये हो गया कि एस जोड़ा है तो हमने आगे एस को कर दिया है। जैसे ये देखो मंथ जब लिखते थे, मंथ लिखते थे म अ न थ, बस अगर एस जोड़ना है उसके लिए तो बस आगे बस एक अंदर सर्कल घुमा देंगे अंदर की तरफ से, बस यही होगा, काफी इजी टॉपिक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आ रहा है वर्ड आपका लॉस। लॉ और स, फर्स्ट प्लेस वाला लॉ और अंदर की तरफ स, लॉस। ठीक है, फिर वर्ड है आपका एल्स। एल्स में ई का डॉट सेकेंड प्लेस पे, एल लाइन पे और ये स, एल्स हो गया। लास्ट वर्ड है इसका आपका लीव्स। एल बी और एस और ई का डॉट लगा दिया, हो गया लीव्स। बस लास्ट में क्या करना है, अंदर की तरफ कर्व बनाना है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कर्व ऐसे बन रहा है ना सर्कल आपका लीव्स में, तो बस ऐसे अंदर की तरफ बनाना है, काफी इजी है, एक बार लिख लो फिर आगे करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये है कुछ और वर्ड्स आपकी प्रैक्टिस के लिए। पहला वर्ड आ रहा है आपका सेफ। से ए और फ, ठीक है, अब आप एक चीज का ध्यान देना,
इस वाले में जो हम कर रहे हैं वाले वर्ड, इसमें जो है एस स्टार्टिंग में था, ठीक है, स्टार्टिंग में है बेसिकली। जो लास्ट वाला हमने किए थे इससे पहले जो वर्ड्स लिखे थे उसमें एस एंड में आ रहा था, तो उसमें हम क्या सीखेंगे कि जब एस स्टार्टिंग में आएगा तो कैसे कंबाइन होगा आपका, ठीक है। पहला वर्ड है सेफ, सेफ के लिए एस का सर्कल बनाया, ये एस का सर्कल, ए और ये फ, ये बन गया वर्ड सेफ। फिर उसके बाद है वर्ड आपका सीम, स्टार्टिंग में एस है, एस का सर्कल, एम और सी, ई और म, ये हो गया वर्ड आपका सीम। फिर वर्ड आ रहा है स्लो, तो एस का सर्कल, एल और ओ, स्लो, स लो और ओ, स्लो। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपका सॉन्ग, सॉ और न वर्ड, और के बाद है फर्स्ट प्लेस वॉवल है तो हवा में बनेगा, एस और एन जी, और ओ के लिए फर्स्ट में डैश लगेगा, सॉन्ग। अब उसके बाद आ रहा है वर्ड अगला सिल्क, सिल्क में क्या है, एस जो है स्टार्टिंग में, तो एस का सर्कल, एल और के, आई का डॉट है, डॉट यहाँ लगा दिया, ये बन गया आपका वर्ड सिल्क, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है वर्ड आपका सर, सर में एस बनाया और ये डाउनवर्ड आर और अ के लिए डॉट, सर, ठीक है, इतना भी लिख लो एक बारी। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्मॉल, स्मॉल में क्या हो रहा है आपका, एस बना स्टार्टिंग में, ओ की आवाज है, फर्स्ट प्लेस है, तो एस एम और एल, स्मॉल। फिर उसके बाद आ रहा है वर्ड आपका संडे, ओ की आवाज आ रही है, शॉर्ट यू वाली, सेकेंड प्लेस से बनेगा, स अ न और डे, संडे, यहां तक नोट करो। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है सेंस, सेंस में एस बनाया, एन और स, सेंस। फिर उसके बाद है वर्ड आपका सेल, एस बनाया और एल, से ए और ल, सेल। इसके बाद आ रहा है वर्ड सेल्स, सेम है बस एंड में क्या हो रहा है, एस जोड़ रहा है आपका, तो क्या करेंगे बस सर्कल लगा देंगे, तो एस बनाया स्टार्टिंग में, से ए ल और स, सेल्स, दोनों सर्कल इक्वल उसके बनेंगे, ठीक है। फिर लास्ट वर्ड है आपका सेव, एस और वी, से ए व, सेव। ये हमने बहुत इजी तरीके से कराया है, आपको सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि एस को हम कैसे बनाएंगे, वर्ड के तक कैसे अटैच करेंगे। अब जब भी ये वाले वर्ड्स आपके आएंगे तब आप जो है वो ऐसे वाला एस ओ जेड नहीं बनाओगे, इंस्टेंट आप इस सर्कल वाला एस ओ जेड बनाओगे, ताकि जब आप पेपर में लिखो तो जब सर्कल यूज करोगे तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, दैट इज द रीजन ये चैप्टर इसके अंदर होता है स्टेप का, ठीक है। एक बार जो है आप ये सारे वर्ड्स प्रैक्टिस कर लो, पहले की वीडियो सारी देख लो, लिंक नीचे दिए हुए हैं, एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो और ये वीडियो स्पेशली पसंद आई हो कि काफी इजी वे में है ये, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।